तर भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यावर नगरसेविकेने शोषणाचे गंभीर आरोप केलेत. मेहता यांनी अनेक महिलांचं शोषण केलं असल्याचा आरोप नगरसेविका नीला सोन्स यांनी केलाय. तसंच मेहता यांच्यामुळे आपल्या जीवाला धोका असल्याचं देखील नीला सोन्स यांनी सांगितलं आहे. या प्रकरणावरून विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. तसंच महिला आमदार या प्रकरणावर चर्चा करणार असल्याची माहितीही मिळाली आहे. नीला सोन्स यांनी मेहता यांच्या स्टिंगचा वीडियो ही जारी केलाय. मैं नीला सोन्स सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को पुलिस स्टेशन में इस वक्त मैं हूँ, आईजी ऑफिस में, एसपी ऑफिस में होके आई हूँ. मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मुझे मेरे परिवार को और मेरे बच्चे को नरेंद्र मेहता जी से जान का खतरा है. ये कुछ आज से नहीं है, कई वर्षों से है, जिसके लिए मैं पहले भी एसपी ऑफिस गई थी और कंप्लेन मैंने की थी. लेकिन हाल ही में मैंने पार्टी के वरिष्ठों को भी मेहता जी के जो भी काम है, अनैतिक कार्य है, भाजपा की आड़ में जो वो काम कर रहे हैं उसको उजागर करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन कराया था, जो मैंने अपने वरिष्ठों को सौंपा था. उस स्टिंग ऑपरेशन में आप देख सकते हैं कि 2 जुलाई विधानसभा का दिन है और 2 जुलाई को एक महिला अंदर है और उसके बाद जैसे ही वो विधानसभा के लिए जाते हैं मुझे फोन किया जाता, मैं अंदर जाकर वीडियो लेती हूँ. वो सभी वीडियोस मैंने अपने वरिष्ठों को दी थी ताकि वो भारतीय जनता पार्टी में जो नाम खराब हो रहा है, जिसके नेतृत्व में जिसको जनता ने नकार दिया है उसको पार्टी भी नकार दे, इसलिए ये वीडियो मैंने पार्टी को सौंपी थी. लेकिन शायद ये वीडियो पार्टी या किसी अन्य सदस्य द्वारा वायरल किया गया है. आप लोगों से कहने का सिर्फ यह उद्देश्य है ताकि पता चले कि मेरी लड़ाई नरेंद्र मेहता जी से जान महान के लिए अब पूरी तरीके से कानूनी रूप में मैं करने जा रही हूँ. उम्मीद करती हूँ हर वो महिला जिसका शोषण हुआ हो उसे इससे थोड़ी ताकत मिली. मैं अपने और अपने बच्चे के हक के लिए, न्याय के लिए ये लड़ाई लड़ रही हूँ. आप लोगों का साथ मिलेगा ऐसी मनोकामना करती हूँ.